नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बजरंग दल के प्रखंड संयोजक पर हुआ जानलेवा हमला। नुपुर के समर्थन में दिया था ज्ञापन व बयान। मास्टर कॉलोनी आगर में रहने वाला आयुष माली बजरंग दल का प्रखंड संयोजक है तथा इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। माली ने एक माह पूर्व आगर कलेक्टर को नुपुर शर्मा के पक्ष में ज्ञापन दिया था, उसके पक्ष में मीडिया को भी बयान दिया था। बुधवार दोपहर वह करीब 12 बजे बाइक पर बैठकर उज्जैन रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान रॉयल ढाबे के समीप कुछ लोगों ने अचानक उसकी बाइक पर टॉमी मारकर रोका। हमलावरों ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम आयुष है? तुमने नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान दिया था? आयुष ने जैसे ही हाँ कहा तो बदमाशों ने उस पर टॉमी और चाकुओं से हमला कर दिया। इससे आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर पीछे से आयुष के दोस्त रजत व कुछ अन्य साथियों को वहां आता देखकर हमलावर भाग निकले। इसके बाद आयुष के दोस्त उसे आगर के सिविल अस्पताल ले गए। यहां से उसे उज्जैन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आयुष ने बताया कि बदमाश जाते समय कहते हुए गए कि उसने बयान दिए तो गला काट कर जान से खत्म कर देंगे। आगर पुलिस ने आयुष पर जानलेवा हमला करने वालों में अरबाज, सरफराज, टिंकी, अम्मू मेवाती, अमन मेवाती, आसिफ, सोहेल, मुन्ना मेवाती, सलमान, फिरदौस, समीर मेव, साजिद के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैं मतदान केंद्र से आ रहा था और रास्ते में कुछ दो तीन चार लोग बाइक पे बैठे थे, दो तीन, और उन्होंने मेरे को हाथ दिया। हाथ देने के बाद मेरा नाम पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको मेरा नाम बताया, आयुष माली। और उन्होंने बोला कि तुमने हमारे मतलब खिलाफ बयान दिए थे नुपुर शर्मा के समर्थक में। कुख्यात सटोरी जयेश आहूजा के अवैध निर्माण पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने की कार्यवाही। तीन थानों की पुलिस रही मौजूद। पिछले दिनों लंबे समय से उज्जैन पुलिस की रडार पर चल रहे अंतर्राज्यीय क्रिकेट सट्टा खाई बाज जयेश आहूजा को उसके साथ साथियों सहित इंदौर से धार रोड से दो कार में सट्टा घर चलाते क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उसने 21,900 रुपए नगद बरामद किए गए। 48 मोबाइल, कनेक्टिंग मशीन, 4 लैपटॉप और करोड़ों के सट्टे के हिसाब का रजिस्टर मिलने के साथ ही कई रसूखदार सफेद पोशों के नाम नंबर भी सामने आए थे। जयेश 2012 से क्रिकेट सट्टा का खाईवाल रहा है। अब निगम और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने इस कुख्यात सटोरिए के शास्त्री नगर मेन रोड पर स्थित 3 मंजिला अवैध मकान को तोड़ने की कार्यवाही की। कार्यवाही में खाराकुआ, सेंट्रल कोतवाली, नीलगंगा थाने के बल के सहित QRF की टीम भी मौजूद रही। नगर निगम के कर्मचारियों ने पहले निचली मंजिल की दीवारों पर हथौड़े चलाए, उसके बाद JCB से सामने का फ्रंट तोड़ा गया। नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर लीलाधर दोराया ने बताया कि जयेश आहूजा द्वारा 10 फीट आगे निर्माण किया गया है, जिसे आज ध्वस्त किया गया। तो आहूजा जो है, जो अभी सट्टे में पकड़ाए थे, उनका जो है पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था। हमें 2 साइट आइडेंटिफाई की थी और हमें सूचना दी थी, तो इनमें हमने 307 का नोटिस जारी किया था कल, तो कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। चूँकि इसमें जो है 10 फीट आगे बढ़ाया हुआ है, वो 10 फीट आगे बढ़ा हुआ हटाना पुलिस। सर, कितना मकानों का कार्रवाई होना है? सर, आज 2 मकानों का था, 2 मकानों का है, इसके बाद 1 मकान और जाने का है। वहाँ भी उनको नोटिस 307 दिया, उन्होंने अभी हमको जवाब वापस से जवाब नहीं दिया है, कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया कि ये हमारा मकान है नहीं है, वो होगी देखिए कभी करेंगे, सुबह यहाँ से निकल कर जाएंगे। और तुम CSP विनोद कुमार मीणा कार्यवाही के संबंध में बताते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने जयेश आहूजा नामक व्यक्ति के घर पे सट्टे की रेड दी थी, तो चलती गाड़ी में हमको इनसे हाईटेक उपकरण मिला था, जिससे कम से कम 50 से 60 मोबाइल कनेक्ट होते हैं और ये व्यापक तौर पे सट्टे का पूरे प्रदेश भर में संचालन किया करता है। तो उसी के तहत इसके जो भी अवैध निर्माण है उस पर आज प्रशासन की गुंडा विरोधी अभियान के तहत उसको तोड़ा जा रहा है। इसके पूर्व में भी काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड थे सट्टे से रिलेटेड, और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इसको पकड़ा था। तो अभी इसका ये वाला ऑफिस और एक घर है जहाँ से सट्टे की दबिश दी गई थी, तो अभी उनको जोड़ा जा रहा है शासन के द्वारा। 15,000 की रिश्वत लेते हुए फिर एक पटवारी रंगे हाथों चढ़ा लोकायुक्त के जाल में। नामांतरण व नप्ती के लिए मांगी थी रिश्वत। आवेदक रविंद्र देश पांडे निवासी हरिओम विहार उज्जैन ने दिनांक 11 जून 2022 को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत प्रस्तुत की थी,
कि उनकी पत्नी के नाम खरीदी जमीन का नामांतरण एवं नप्ती के लिए जब वह पटवारी नितिन खत्री से मिले तो पटवारी द्वारा उक्त काम के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। शिकायत पर प्रारंभिक कार्यवाही कर ट्रैप आयोजित किया गया। पटवारी नितिन खत्री को उसके महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित निजी कार्यालय में आवेदक रविन्द्र देश पांडे से 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, DSP सुनील तालान व टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। इस बाबत आवेदक रविन्द्र देश पांडे ने बताया, मेरे को करीब करीब साल भर से वो कर रहे थे और रजिस्ट्री जो थी वो रजिस्ट्री 9/11 को हो चुकी थी और नामांतरण के लिए दिए थे, मगर आजकल करते करते आज 7-8-9 महीने हो गए करीब, आज भी नहीं करे, आज तक नहीं कर पाया वो। क्या आप किस तरीके से डाल रहे थे, आपकी क्या कारण? कोई पैसे के लिए, तो आज जब पैसे के लिए दिया, उसको पैसे दिया तो बोले आप कल मैं पूरा आपको करके कंप्लीट करके दे दूंगा बोले। कितने पैसे आपसे मांगा था, कितने में फिर आपने उसमें फाइनल हुआ था? 12,000, पहले 15 मांगा था तो मैंने कहा बहुत 15 बहुत ज़्यादा है जी, तो बोले अच्छा 12 करिए, बोले 12 कर देना, बोले तो 12 में ये हुआ, आज जो है वो 12,000 दिया उनको। कार्यवाही की बाबत लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया, जी ये आवेदक हैं रविन्द्र देश पांडे, हरिओम विहार के रहने वाले हैं। इन्होंने 11 जून को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि इन्होंने ग्राम मोहनपुरा अंतर्गत कुछ जमीन खरीदी थी इनकी पत्नी के नाम से, खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन पटवारी से जब ये नामांतरण और सीमांकन के लिए मिले तो पटवारी हल्का नंबर 4 ग्राम मोहनपुरा नितिन खत्री द्वारा इनसे नामांतरण और सीमांकन के 15,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। शिकायत पर हमारे द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई की गई, उस समय इनने आवेदक के निवेदन पर 12,000 रुपये लेने पर काम करने पर सहमति दी। उस शिकायत पर आज एक ट्रैप का आयोजन किया गया और पटवारी का महाकाल वाणिज्य केंद्र में निजी कार्यालय है, वहाँ पर आवेदक से 12,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त कर इन्हें लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुलिस ने ट्रक चोरी की वारदातों में शामिल हरियाणा के मेवात गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर जब्त किए 14 वाहन। बड़नगर से कुछ दिन पूर्व चोरी हुई आयशर के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। वारदात स्थल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज खंगाले गए जिनमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर सुराघात लगे, जांच में सामने आया कि आरोपित हरियाणा के मेवात गैंग के सदस्य हैं। इस पर पुलिस का दल हरियाणा गया, इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 बदमाशों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही से 14 आयशर वाहन बरामद किए। वाहनों को बरामद करने के बाद बदमाशों को बड़नगर लाया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। गैंग के कुछ सदस्य फरार होना भी सामने आए हैं। मामले का आजपाश करने के लिए पुलिस बदमाशों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी। उनके पास से बरामद आयशर कई अलग अलग राज्यों से चोरी की गई। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। ये वाहन चोरी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करने में हमें सफलता मिली है। थाना बड़नगर में एक घटनाक्रम 14 जून को हुआ था, एक जिसमें डंपर चोरी गया था, उसमें SDOP बड़नगर और TI बड़नगर मनीष मिश्रा और उनकी टीम ने काम किया। पूरा इसका लगातार सुपरविजन एडिशनल SP श्री आकाश भूरिया कर रहे थे। पूरी जो टेक्निकल टीम ने इसमें जो काम करके दिया और जो पूछताछ से बात सामने आई कि इस गाड़ी के साथ, इस डंपर के साथ एक ब्रीजा गाड़ी चल रही थी, उस ब्रीजा गाड़ी के जो टेक्निकल डिटेल्स निकाले गए उसके आधार पर हमने इनको चिन्हित किया और ये मूलतः है मेवात नूह जो एक जिला है वहाँ के रहने वाले थे। 2 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से हमें वो जो डंपर, जो घटना बड़नगर में हुई थी उसका डंपर, इसके अलावा महाकाल थाने का एक आयशर गाड़ी और इसके अतिरिक्त कुल 12 गाड़ियाँ और इस तरह से टोटल 14 गाड़ी जिसमें 12 आयशर, 1 डंपर और 1 स्वराज माजदा, 14 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया है कि ये लोग आयशर गाड़ी को ही निशाना बनाते थे और इसके अलावा जो भी गाड़ी इजी तौर पे मिल जाती थी इसको ले के जाते थे और इसका पूरा डिस्पोजल जो है ये गुजरात में अहमदाबाद में करते थे। एक गैरेज का हमारे पास डिटेल सामने आए हैं, उसकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो भी एक घटनाक्रम में आरोपी बन रहे हैं और अभी तक हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेष अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बैक एंड में नूह में इनके कौन सपोर्ट में कौन सी टीम काम कर रही थी वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का सब सब्जेक्ट रहेगा।
साथ ही साथ जो गुजरात में जो डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता था, ये पेपर्स को कैसे तैयार करते थे, ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ जो 8 वाहन हमारे पास अभी हैं जिनके अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, उसके संदर्भ में विभिन्न जगह से पूछताछ करके ये कहाँ है और किस घटना से संबंधित है, इससे संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। मास्टर की जो इनसे जब्त की गई है, ये मास्टर की ये खुद बनाते थे, ये बड़ा टेक्निकली इसको उनसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखा गया तो बड़े आसानी से इसको लगा के और गाड़ी को बिना चाबी के भी स्टार्ट कर लेते हैं। एमपीबी की लाइन अटेंडर के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी, ओटीपी पूछकर बैंक अकाउंट से उड़ाए 71,000 रुपए। ज्योति नगर एमपीबी कॉलोनी में रहने वाली मक्सी रोड बिजली कार्यालय पर लाइन अटेंडर के पद पर पदस्थ स्नेहलता पवार का फ्रीगन क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक में अकाउंट है। उन्होंने 2 दिन पहले ही बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था जिसकी क्रेडिट लिमिट 75,000 रुपए थी। बुधवार शाम 5 बजे स्नेहलता के मोबाइल पर बैंक के कर्मचारी के नाम से एक फ़ोन आया जिसमें उसके खाते से संबंधित जानकारी मांगी गई और 4,000 रुपए इंश्योरेंस के लगना बताया, जो कि उन्हें कुछ ही दिनों में रिफंड होने की बात भी कही गई। स्नेहलता को बातों में उलझा कर उनसे OTP लिया गया जिसके बाद स्नेहलता के खाते से 71,050 रुपए कट गए। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने का मैसेज आने के बाद स्नेहलता को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही एक्सिस बैंक के कॉल सेंटर पर फोन लगाकर खाते को ब्लॉक करवाया व माधवनगर थाने में एक शिकायती आवेदन किया। माधवनगर थाने से उन्हें IT एक्ट का मामला होने की बात कहते हुए साइबर सेल रवाना किया गया। इस बाबत स्नेहलता पवार ने बताया कि क्रेडिट कार्ड आपका नया है, आपको एक्टिवेट करवाना है, तो मैंने कहा कि एक्टिवेट हो चुका है, नेट बैंकिंग से कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि आपका हाफ ही एक्टिवेट हुआ है, एक्सिस बैंक से ही बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम शुभम गुप्ता कुछ बताया, आप चाहे तो हमारा ID नंबर और वो सब ले सकते हैं, ऐसा ऐसा कहा, बहुत कन्विंस किया, मतलब 1.5 घंटे बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ये इंश्योरेंस का कुछ 3,000-4,000 अमाउंट है और ये आपका एक्टिवेशन, ये आपका 75,000 आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप ये एक्टिवेट करवाओगे, सारी डिटेल दोगे इस तरह से, तो वो इस इन सब कन्वर्जेशन के थ्रू मेरा OTP चला गया, उसमें OTP दे दिया। तो कितना अमाउंट हुआ था? 71,050 रुपए का अमाउंट। फिर जैसे डेबिट हुआ मैंने वैसे ही ऑनलाइन कंप्लेंट की और कार्ड ब्लॉक कर दिया। कार्तिक मेला ग्राउंड पर शॉर्ट सर्किट से इमली के पेड़ पर लगी आग, पेड़ धराशायी हुआ कार पर, चकनाचूर हो गई पेड़ के नीचे पार्क की गई कार। बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड के पास शंकराचार्य चौराहे पर वर्षों पुराना इमली का पेड़ बिजली के तारों से टकराने के कारण आग लगने से गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंतर्गत ग्राम सुलैन निवासी रवि मेहर की वैन क्रमांक RJ17UA3945 चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय मारुति वैन में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मारुति वैन के ड्राइवर रवि मेहर ने बताया कि वे अपने 7 दोस्तों के साथ देवदर्शन के लिए आए थे। कार्तिक मेला ग्राउंड के पास शंकराचार्य चौराहे पर अपनी वैन खड़ी करके वे सामने की गाड़ी के टायर का पंचर बनवा रहे थे। सर मैं यहाँ पे आया, मैंने आके जस्ट गाड़ी खड़ी करी, स्टेपनी बनवाने गया था, वहाँ से बनवा स्टेपनी बनवाने गया तो यहाँ पे स्पार्क हुआ एक अचानक। अच्छा। मैं बक के आया गाड़ी हटवाने के लिए। हाँ। गाड़ी हटाने के लिए बक के आया तो मैंने जैसे ही लॉक खोला वैसे ही पेड़ हिलने लगा, तो मैं यहाँ से भगा और थोड़ा सा ही भगा, उसके बाद पेड़ गिर नीचे गिर गया गाड़ी। स्पार्किंग होने के बाद क्या आग लगी थी? स्पार्क ऊपर आग लगी थी पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर आग लगी। हाँ। उसके बाद फिर पेड़ गिर गया? उसके बाद फिर पेड़ गिर। गाड़ी खाली थी? गाड़ी खाली थी। कहाँ से आए, कितने लोग आए आप? झालावाड़ से आए, 8 लोग हैं हम। अच्छा, कब पहुँचे थे यहाँ? 7 बजे के समथिंग आए थे हम। घटना कब की है? घटना 7:30-7:45 बजे। अच्छा। शंकराचार्य चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक थाने के सैनिक और प्रत्यक्षदर्शी भीम सोलंकी ने भी बताया कि पहले पेड़ के ऊपरी हिस्से में आग लगी और इसके बाद इमली का पेड़ जड़ से टूट कर गिर गया। पेड़, ये अपना जो पेड़ है इमली का पेड़, ये पुराना पेड़ था, इसके पास में खाली गाड़ी मारुति वैन खड़ी थी, उसके ऊपर अचानक पेड़ गिरा। उससे पेड़ गिरने से क्या लाइट फॉल्ट हुई, तारों में बहुत भयंकर उजाला हुआ, स्पार्किंग हुई उसके कारण से। फिर हम यहाँ से दौड़ के गए, वो तार जो उधर बस खड़ी थी ये खाली, उसके ऊपर गिरे, वो दोनों तरफ के रास्ते बंद करवाए दौड़ के और तुरंत खबर करी थाने को, सूचना दी।
अच्छा हुआ कि इसके अंदर कोई बैठा नहीं था, नहीं तो जनहानि हो सकती। फर्नीचर का कार्य करने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु, नानाखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया। नानाखेड़ा स्वाति विहार निवासी 58 वर्षीय राजेश मालवी पिता रमेश चंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजेश फर्नीचर बनाने का काम करते थे। अस्वस्थ होने पर उन्हें एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नानाखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में शव विच्छेदन करवाया। घटना के बाबत परिजन राकेश मालवी ने जानकारी देते हुए बताया, 5:30-6 बजे के करीब इनने कुछ पदार्थ पी लिया है और फिर देशमुख हॉस्पिटल लाए। देशमुख हॉस्पिटल में करीब 1.5 घंटे बाद इनकी डेथ की घोषणा कर दी डॉक्टर ने। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।